अस्सलाम वालेकुम। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अच्छा, एविडेंस की जो रिकॉर्डिंग है ना, ये बड़ी इजी है, ठीक है। इसमें से तीन चीज़ें मेनली करनी होती है, तीन स्टेजेस होते हैं इसके। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है एंड री एग्जामिनेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम कोर्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है। मैं जो हूँ ना, एक उसका वकील हूँ डिफेंडेंट का, मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल चार दो पार्टियाँ हैं, ठीक है। एक वकील है और एक जो है उसके साथ जिस पे इल्ज़ाम लगाया है मुलजिम है वो है, ठीक है। और दूसरा वकील मैं हूँ और मेरे साथ वो बंदा है जिसने इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है, डिफेंडेंट जो है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि अब जब एग्जामिनेशन इन चीफ वो होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ ना, एक एविडेंस को लेकर आया हूँ, जैसे कि नर्स को मैं ले आया हूँ, ठीक है, या कोई रूम में जो मैंने एग्जाम्पल पहले भी दी हुई थी ABCD वाली, ठीक है। तो मैंने जो है सी एविडेंस था, सी को मैं ले आया हूँ कोर्ट में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने सी से जो है ना, अब जो एग्जामिनेशन इन चीफ है ना, वो पहले सवाल करता है एग्जामिनेशन इन चीफ में जो लेकर आता है उस एविडेंस को, ठीक है। एंड प्रॉपर एग्जामिनेशन होती है, और इसमें जो है ना एग्जामिनेशन इन चीफ में ना क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त भी नहीं होती, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मतलब लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछते, सिर्फ पूछते हैं आप किधर थे उस वक्त, क्या कर रहे थे, आप घर में थे, क्या टाइम था, इस तरह की बातें पूछते हैं, ठीक है, विटनेस से। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो एक्यूज्ड की जो पार्टी होती है ना, सेकेंड पार्टी, वो क्वेश्चन पूछती है और जो एविडेंस होता है उससे, ठीक है। और इसमें लीडिंग क्वेश्चन अलाउ होते हैं। फिर री एग्जामिनेशन जो फर्स्ट पार्टी होती है और जो डिफेंडेंट की साइड होती है, ठीक है, वो पूछती है क्वेश्चंस, ठीक है। विक्टिम की जो साइड होती है वो क्वेश्चंस पूछती है, वो उसको उनको दोबारा चांस मिलता है ताकि क्वेश्चंस पूछ लें, ताकि उनको जो है ना लाइक फिर ये ना हो कि हमने हमें मौका नहीं मिला और हमारे जो एविडेंस है उससे जो है सेकेंड पार्टी ने अजीब क्वेश्चन पूछे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दे शुड बी सेकेंड चांस फॉर देम, ठीक है। फिर ये जो होता है ना, और कोर्ट जो है ना किसी भी टाइम कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉन्सेंट जो है ना, कॉन्सेंट जो होता है ना, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टी एट सर्टेन टाइम, ठीक है, एट सर्टेन टाइम, एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारे पास कॉन्सेंट होता है। फिर रोल ऑफ कॉन्सेंट ये होता है, रोल ऑफ कॉन्सेंट ये होता है कि डॉक्टर ने पेशेंट को ना तमाम प्रोज एंड कॉन्स बताने होते हैं, और ये ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। अब कॉन्सेंट जो है ना, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम कॉन्सेंट नहीं करते, वो हम बाद में कर लेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, वो एक्सप्लेन भी कर लेंगे। अब टाइप ऑफ कॉन्सेंट की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास एमरजेंसी कॉन्सेंट होते हैं और एक हमारे पास एक्सप्रेस कॉन्सेंट होता है जिसको हम अदर कॉन्सेंट भी कहते हैं। एमरजेंसी कॉन्सेंट ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एमरजेंसी कंडीशन में एक पेशेंट आ गया ना, तो हम उसको उसका जो कॉन्सेंट है ना हम कंसिडर कर लेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आया, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए, ये वो ना, वी आर गोइंग टू ऑपरेट दैट पेशेंट एंड आफ्टर ऑपरेटिंग द पेशेंट वी आर गोइंग टू डू वट एवर थिंग्स आर नीडेड, बट इन दैट कंडीशन, इन एमरजेंसी कंडीशन देर गोइंग टू बी नो कॉन्सेंट, ठीक है। फिर एक्सप्रेस कॉन्सेंट जो होता है, एक्सप्रेस कॉन्सेंट जो होता है ना, अदर देन एमरजेंसी कंडीशन जो कॉन्सेंट होता है ना, वो एक्सप्रेस कॉन्सेंट होता है, ठीक है, जिससे कि तमाम ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कॉन्सेंट लेते हैं। फिर इसकी टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट की जब हम बात करते हैं, एक हमारे पास ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, हम दोनों को एक्सेप्टेबल होता है ओरल रिटन, लेकिन रिटन में ये फ़ायदा होता है कि रिटन में आप फिर प्रूफ दे सकते हो कि हमारे पास हमने लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद ना हमारे पास जो कॉन्सेंट होता है ना, वो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होता है, ठीक है। अब इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट जो होता है ना, मतलब पेशेंट को ना हम पूरा इन्फॉर्म करते हैं, मतलब हम उसको ट्रीटमेंट बताते हैं, उसको रिस्क फैक्टर्स बताते हैं, उसको प्रोज कॉन्स सारी चीज़ें बताते हैं, फुल नॉलेज देते हैं उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, मेडिको लीगल केसेस, जनरल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया वगैरह के बारे में भी बताते हैं। और ब्लैंकेट कॉन्सेंट वो होता है जो हॉस्पिटल मेनली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स करते हैं, मतलब कि प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताते, फुली एक्सप्लेन नहीं करते, बस सिर्फ उससे पूछते हैं हम आपका ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपकी इजाज़त है, दैट्स इट, मतलब वो प्रोज एंड कॉन्स और चीज़ें नहीं बताने वाले, ठीक है। अच्छा, फिर एज ऑफ कॉन्सेंट 18, मेल के लिए 18 प्लस होना चाहिए और फीमेल एटलीस्ट 16 प्लस होनी चाहिए कि हम उसका कॉन्सेंट ले सकें। अगर इससे छोटा होगा ना बच्चा, तो फिर हम उसके पेरेंट्स से कॉन्सेंट लेंगे, ठीक है, या गार्डियन वगैरह से, ठीक है,
या अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं, उनको भी कॉन्सेंट नहीं लेते हम लोग, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद प्रोसीजर ऑफ कॉन्सेंट, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि हम मतलब प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं, रिस्क फैक्टर्स बताते हैं, सारी चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, ठीक है। और जो मॉडिफाइड प्रोसीजर्स होते हैं ना, जैसे कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास हमने प्रॉपर कॉन्सेंट लेना होता है। फॉर एग्जांपल, एक मुस्लिम पेशेंट है, वो मॉर्फिन अल्कोहल नहीं लेता, तो हमें उससे मॉडिफाइड कॉन्सेंट पे उससे हमने पूछना होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर हम अल्कोहल ये दे दें, ठीक है। जैसे क्रिश्चियंस होते हैं, वो हमारे पास वो नहीं लेते लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते, तो हमें उस कंडीशन में उनसे पूछना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, सेम एज अ कंडीशन, जो मदर वो होता है, मैरिड कपल होता है, तो फीमेल जो वाइफ होगी वो कहेगी मुझे स्टेरिलिटी की वो चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो हम ऐसे नहीं दे सकते। हम जो है उसके हस्बैंड से भी पूछेंगे, कॉन्सेंट लेंगे कि आप दोनों की मर्जी पे ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ना कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें हम कॉन्सेंट लेना इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा जेल में है, उससे कॉन्सेंट नहीं लेना, ठीक है। एक बंदा जो है कोई इन्फेक्शंस डिजीज में है, उससे हमने कॉन्सेंट नहीं लेना। कोई कोई मुलजम है, उससे हमने इंसेन जो होता है उससे हम कॉन्सेंट नहीं लेते। फिर मॉडिफाइबल डिजीज से कोई गुजर रहा है उससे नहीं, सुसाइडल केस में हमने कॉन्सेंट नहीं लेते। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो होती हैं उसमें भी हम कॉन्सेंट नहीं लेते, ठीक है। मतलब क्या, एक बंदा इंसेन है, एक बंदा जो है वो प्रिजनर है, एक बंदा जो है वो कंटीशियस डिजीज हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ और मॉडिफाइबल डिजीज हैं, सुसाइडल केस है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, उसमें हम कॉन्सेंट नहीं लेते, ठीक है। दैट्स इट, थैंक।